अफ्रीकी कौंसिल खाना कराची में तालीम का आलमी हफ्ता मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स का अहतमाम करके अमेरिका में तालीम हासिल करने वाले मौके और फवायद को उजागर किया गया है। अमरीकी कौंसिल जनरल कराची के मुताबिक अमरीकी हुकूमत की जानब से हर साल तकरीबन 800 पाकिस्तानियों को अमेरिका में तालीम हासिल करने के मौके फ्राहम किए जाते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर। हाँ जी बिल्कुल, देखें अमेरिकी कौंसिल खाना कराची में एजुकेशन यूएसए के इश्तराक से तालीम का आलमी हफ्ता मनाया गया। 14 से 18 नवंबर तक मुख्तलिफ इवेंट्स का एहतमाम करके अमेरिका में तालीम हासिल करने के मुख्तलिफ मौके और फवायद को उजागर किया गया। शिफा ने वर्चुअल, हाइब्रिड और जाती तौर पर पहुंचकर हिस्सा लिया। सरगर्मियों में शरीक तलबा, वालदैन और स्कूल काउंसलर की तैयारी के साथ साथ दीगर अमेरिका में दस्तयाब मियारी प्रोग्राम और मौके पर तवज्जो मरकूज रही, जबकि तालीम के आलमी हफ्ते की सरगर्मियों में आला तालीम के मियार के नुमाया पहलुओं को तफसील से बयान किया गया। काउंसलर जनरल कराची है निकोल चिरियो, उनका कहना है कि अमरीकी हुकूमत की जानब से हर साल तकरीबन 800 पाकिस्तानियों को अमेरिका में तालीम हासिल करने के मौके फराहम किए जाते हैं। अमेरिका में आला मयार के तालीमी इदारों में तालीम के लिए फराहम करता ये मौके पाकिस्तान में अमेरिका सरमाईकारी के मुंह बोलता सबूत है, जबकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की काबिल एतमाद शराकतदारी की जबरदस्त मिसाल पेश करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में आला तालीम हासिल करना तलबा की शख्सी सलाहियतों में बेपरना इजाफा होता है, जबकि एजुकेशन यूएसए अमरीकी हुकूमत की जानब से तस्दीक शुदा जरिया है। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास अपडेट करने के लिए।